एक तरफ जहां कतर की मध्यस्थता में गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों की जंग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है, जहां इजरायली सेना कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। दरअसल गाजा में रफा शहर और खान यूनिस शहर आईडीएफ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गए हैं, जहां पर इजरायली सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। और अब इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने गाजा के तल अल हवा में खान यूनिस में आईडीएफ के ऊपर बहुत बड़े हमले किए हैं। दरअसल तल अल हवा के करीब अल कासिम ब्रिगेड्स ने इसराइल के पैदल सैन्य वाहनों पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है, जिसमें करीब 10 सैनिक थे। अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने आईडीएफ के ऊपर एंटी पर्सनल बॉम्ब दागे हैं। अल कासिम ब्रिगेड्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पहले तो ड्रोन कैमरे के जरिए इलाके और आईडीएफ के रूट को चिन्हित किया जाता है, उसके बाद हमास के दो लड़ाके एक हरियाली और एक खंडर में छिपकर आईडीएफ के ऊपर घात लगाते हैं। इसके बाद एक लड़ाका अपने कंधे पर बैग रखकर भागता हुआ नजर आता है, जिसके हाथ में एक राइफल होती है। और इसके बाद ये लड़ाके आईडीएफ के वाहनों के रास्ते में बारूद बिछा देते हैं, और इसके बाद आईडीएफ के सैन्य वाहन उसी रास्ते पर आगे आते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान अल कासिम के लड़ाके इस बारूद को उड़ा देते हैं, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमास के लड़ाके भागकर आईडीएफ पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी वीडियो में आईडीएफ के कुछ जवान वहां से पैदल जाते हुए नजर आते हैं, हालांकि इस दौरान ये नहीं पता चल पाया कि इस हमले में आईडीएफ के कितने सैनिक घायल हुए हैं। और इस हमले के बाद अल कासिम ने उत्तरी खान यूनिस के पश्चिमी हल हवूज में आईडीएफ के जवानों के ऊपर कई राउंड बम और शॉक बमों की बरसात की, और इस दौरान हमले के दौरान ही अल जिया और अल मताहिन इलाके में अल कुद्स के लड़ाके इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर भारी गोला बारूद बरसा देते हैं। और इसी हमले के बाद अल करारा इलाके में अल कुद्स के लड़ाके आईडीएफ और उसके सैन्य वाहन के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट बरसाते हैं। और अलकुद्स ब्रिगेड्स ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अलकुद्स का एक लड़ाका हरियाली के बीच एक लॉन्चर लगाकर बैठा हुआ है। इसके बाद ये लड़ाका इस लॉन्चर में रॉकेट भरकर इन्हें फायर करने में लगाता है।